हमारे YouTube पर एक और प्रिय सब्सक्राइबर अनुज कुमार कुछ पूछ रहे हैं। उन्होंने कमेंट के माध्यम से बोला है कि हमने सर 19 से 22 पेज अच्छी तरह से भर दिया है, लिख दिया है आंसर के साथ, क्या मैं पास हो जाऊंगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अनुज जी आपका, क्योंकि हर किसी के मन में दुविधा रहती है कि हमें कितना पेज लिखना चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए कितना पेज भरना चाहिए ताकि हमें पास होने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी जो ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। यहाँ पे आपको फार्मेसी एजुकेशन से संबंधित सभी प्रकार की मदद, वीडियो लेक्चर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF और नोट्स मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब वापस आते हैं अनुज कुमार जी के सवाल पर जो उन्होंने पूछा है। तो अनुज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप जैसा कह रहे हैं कि आपने 19 से लेके 22 पेज अच्छी तरह से लिख दिया है अपने एग्ज़ाम में, तो आप पास हो पाएंगे या नहीं? तो 19 से 22 पेज, चलिए मैं इसे 20 पेज मान लेता हूँ, ठीक है। अगर 20 पेज आपने लिखा है और अगर मान लीजिए जो एग्ज़ामिनर कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत ही कड़ाई से कॉपी चेक किया, लेकिन अगर आपने लिखा है तो मान लीजिए कि आपको एक पेज के दो नंबर मिलते हैं, तो आपके 20 पेज के हो गए 40 नंबर। अगर आप 22 पेज लिखते हैं तो आपके हो जाते हैं 44 नंबर, जो कि आपको 80 में मिलेंगे, जो कि पास होने के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 80 में आपको मान लीजिए कि 40 या 44 नंबर मिल गया, दो नंबर हर पेज के हिसाब से। अब कॉलेज से आपको 20 नंबर जाते हैं, तो 20 से मान लीजिए कॉलेज जो है 15 या 16 या 17 नंबर आपको दे देगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके लगभग 60 नंबर हो जा रहे हैं सब्जेक्ट में, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है और आराम से आप फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे। इसीलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं, और आपके जैसे जो जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 20 पेज तक अच्छे से लिखा है, वे अगर दो नंबर पर पेज के हिसाब से भी अगर हिसाब लगाते हैं तो उनके भी 40 नंबर हो जाते हैं। इसीलिए आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो कमेंट बॉक्स में प्लीज छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।